नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन BTCA DLED चौथे सेमेस्टर से। और यहाँ पर जो आज हमारा प्रकरण है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब आप बात करते हो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, क्या है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उद्देश्य क्या है इसका, मुख्य अंग कौन से हैं, मेन पार्ट्स ऑफ UNO करके आप जिसे बोलते हो, उन मुख्य भागों जो भी मुख्य भाग हैं उनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। यहाँ से अगर UNO के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो कुछ और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, बस आपको पूरा यहाँ पर वीडियो देखना है। आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पर अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए, ऐसे में आपको नोटिफिकेशन वहाँ से मिला करेंगी और आप वहाँ की वीडियो उसकी भी वॉच कर सकते हो। लिखा हुआ है यहाँ पे मुख्यालय। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, अभी हम देखेंगे UNO का उद्देश्य क्या है, क्यों आया UNO। लेकिन यहाँ पर कुछ जो एक बुलेट पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जो इसका मुख्यालय है वो है मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क USA में, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है आपका, दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हो आप इसे, मैनहट्टन में है, मैनहट्टन टापू है आपका वहाँ पर, न्यूयॉर्क सिटी में। अगर बात की जाए सदस्य वर्ग या सदस्य देशों की संख्या तो 193 हैं, 193। जो आधिकारिक भाषाएं हैं वह है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश करके आप बोलोगे। अगर अध्यक्ष की बात की जाए, जो महासचिव या जो अध्यक्ष हैं वो है एंटोनियो गुटेरस। क्या है एंटोनियो गुटेरस, ऐसे लिखोगे आप गुटेरस। इस समय इनके महासचिव आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा कौन है महासचिव, तो ये चीज़ अभी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम, आप यहाँ पर एक चित्र देख पा रहे होंगे और इसमें काफ़ी कुछ जानकारी आपको यहाँ से भी मिल जाएगी। लिखा है जब अस्तित्व में आया संयुक्त राष्ट्र, और ऐसे में यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को पहला सम्मेलन देखने को मिला था। 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, इनका आपको विशेष ख्याल रखना है, ये हैं 6 आधिकारिक भाषाएँ, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चाइनीज़ और रशियन। उसके बाद 193 जो है वर्तमान सदस्य संख्या है, वर्तमान सचिव जो हैं महासचिव वो एंटोनियो गुटेरस। स्थापना को लेकर के बात की तो 24 अक्टूबर 1945, October 24, 1945 डेट याद कर लो, 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। अगर प्रमुख अंगों की बात की जाए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पर ये प्रमुख अंग लिखे हुए हैं, इनको अभी हम हिंदी में भी बात करेंगे, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एक है ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, दी हेग जिसका आप देखने को मिलता है मुख्यालय। प्रमुख मुद्दे की बात की जाए किसके लिए काम करता है, आपको UNO के बारे में काफ़ी कुछ तो इसी स्लाइड से, इस जो एक चित्र जो एक लगाया मैंने यहाँ से आपको मिल जाएगा। प्रमुख मुद्दे क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को लेकर के बात करना, डेमोक्रेसी, गणतंत्र के बारे में, रिफ्यूजी और अप्रवासी जो लोग होते हैं, रिफ्यूजीज़ का आप सुनते होगे नाम, वो वैश्विक मुद्दे, आपके ग्लोबल जो भी आपके मामले होते हैं, वैश्विक स्वास्थ्य संकट, एक ग्लोबल हेल्थ जो भी दिक्कतें हैं उसको लेकर के बात करना, और जब आप बात करते हो आतंकवाद, इसको लेकर के या इसके मुद्दे को लेकर के बात करना। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि संयुक्त राष्ट्र नेशनों से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य, इसके उद्देश्य में उल्लेख है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात, आर्थिक विकास की, सामाजिक प्रगति की, मानव अधिकार की बात होगी, जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, विश्व शांति यानी कि वर्ल्ड पीस, इन सभी के लिए काम करना। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, शुरुआत में 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ में। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर के UNO को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। वह चाहते थे कि भविष्य में फिर से कभी द्वितीय विश्व युद्ध की तरीके से युद्ध उभर करके ना आए। आप यहां से देखिए कारण क्या था UNO के बनने का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, ऐसे में 39 से आपका जब आप बात करते हो शुरुआत को लेकर के, तो 45 में जो विजेता देश थे उन्होंने कहा देखो भाई एक ऐसी संस्था बननी चाहिए पूरे विश्व स्तर पर कि वो इन चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बात कर सके, आपस में लड़ाई झगड़े वाली बात, लड़ाई झगड़े मतलब आप समझ रहे हो, युद्ध वाली बात देखने को ना मिले। संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत अहम देश थे, ठीक है, ये आपके अहम देश थे और ये संरचना में भी इन्होंने भागीदारी निभाई। इतिहास को लेकर के बात की जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई याल्टा बैठक, याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी 25 अप्रैल
से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में, मैंने बोला ना फ्रांसिस्को में सबसे पहले जो बैठक हुई थी इसी चीज़ को लेकर के। सम्मेलन में जो है जर्मनी के आत्मसमर्पण से पहले ही संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के विचार पर विचार करना जो है शुरू कर दिया गया था। आगे है जापान के, मैं वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूँ इस समय थोड़ा सा यहाँ पे, जापान के आत्मसमर्पण के पहले 26 जून को 51 देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल था, एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और यह घोषणा पत्र 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावी हो गया। कब प्रभावी हुआ था? 51 देश थे, 50 नहीं, पिछली बार वो पिछले उसमें 50 लिखा था, 51 कर लीजिएगा, 51 ठीक है। और इसमें इंडिया भी उसमें इंक्लूडेड था आपका, और ये घोषणा पत्र जो है 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावी हो गया। यहाँ पर मैंने आपका बोला उद्देश्य क्या कुछ था, देखिए शांतिपूर्ण वही समाधान वाली बात, राजनीतिक संचालन, हिंसा को परे रख करके सहयोग वाली बात, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं जिसे आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, कहने अस्तित्व मतलब आपका अस्तित्व है ना, एग्जिस्टेंस, हम साथ साथ रहे, हमारा भी वजूद रहे, आपका भी रहे, युद्ध से ये चीज़ें खत्म ना हो, इसलिए यूएनओ का गठन किया गया। स्वतंत्रता, समानता, फ्रीडम भी हो, इक्वलिटी भी देखने को मिले, ह्यूमन राइट्स भी हो, जो हमारे अधिकार है वो भी हमको मिले, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके जो है प्रमुख मूल्य है, प्रमुख बिंदु थे। यहाँ पर वही उद्देश्य है आपका लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, जो मैं अभी बता चुका हूँ, देशों में सौहार्दपूर्ण एक प्रेम पूर्वक जो संबंध होता है वो देखने को मिले, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं का निराकरण, जो भी आपकी इकोनॉमिक सोशल कल्चर है उसको बनाए रखना, जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं उसका निराकरण, मानवाधिकार, मौलिक अधिकारों के प्रति निष्ठा, उसके संवर्धन के लिए काम करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये सारी बातें यहाँ से निकल करके आती हैं। अब तो आप आराम से लिख लोगे कि इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, आशा करते हैं। 206 अंग हैं यूएनओ के, संयुक्त राष्ट्र महासभा, जनरल असेंबली भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी आपका काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, सेक्रेटरिएट बोलते हो आप इसे, यानी विशिष्ट एजेंसियाँ भी कुछ होती हैं। फिलहाल 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 करके आपके जो लिखे हुए हैं ये आपके प्रमुख अंग के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों जी की ट्रिक है आपको इन 6 अंगों को याद करने की, ऐसे में आप भूलोगे भी नहीं, आप सब ना महासुर हैं, कहते ना आप सब ना महासुर हैं, ऐसे आप बोलते हो ना, तो ये चीज़ आप सब ना महासुर हैं। देखिए ट्रिक के शब्द कौन से हैं और उससे क्या कुछ बना है, आ से आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद है, पा से आपका प्रन्यास परिषद आप बोलते हो इसे, ठीक है, सुरक्षा परिषद के उसमें प्रन्यास परिषद एक आपका आएगा इन्हीं में से, ठीक है, आगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और ये आपका जो आर्थिक सामाजिक परिषद है इन्हीं में से एक आपका जो है ये निकल के आएगा। तो आप जब इसमें बात करते हो नेक्स्ट आपका जो होगा सभापार सचिवालय, ना से आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, मा से महासभा, जनरल असेंबली और उसके बाद सुर से सुरक्षा परिषद। ये चीज़ आप एक ट्रिकी शब्द, आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको जो है अच्छी लगी होगी। ऐसे उसमें कुछ संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ध्यान दीजिएगा यूएनओ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन होता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी 1945। आगे इसमें लिखा हुआ है यूएनओ ने इस ध्वज को कब अंगीकृत किया, ये अंगीकृत है भाई या अंगी व मत मतलब अंगीकृत करना अपनाना, और इसमें लिखा हुआ है कि उनमें उस ध्वज में क्या कुछ है, तो ये अक्टूबर 1947 में, कार्य करने के लिए कौन सी भाषाएं, अंग्रेजी फ्रेंच की बात हो गई, मुख्यालय न्यूयॉर्क, वर्तमान सचिव गुटेरस, वर्तमान कुल राष्ट्रों की संख्या 193 है आपकी, ठीक है, गठन को लेकर के देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको आप खुद से पढ़ सकते हो। ये देखिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी या अध्यक्षा, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित आपके यहाँ से। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है, तो सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं इनके बारे में भी हम बात कर लेंगे, वो भी आते हैं आपके। वीटो का मतलब है कि मैं मना करता हूँ, यानी कि निषेधात्मक वोट, वीटो का मतलब ही यही होता है आपका। किसके किसके पास वीटो है, देखिए स्थायी सदस्यों की संख्या हमेशा पूछता है, टोटल सदस्य जो हैं वो आपके 15 हैं, 5 अस्थायी होते हैं और 10 उसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है। स्थायी सदस्यों में आपके जो है यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेग नीदरलैंड में है, बाकी आपकी लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। ये अंगों की बात हो गई और
प्रन्यास या न्यास परिषद था वो न्याय वाले उससे रिलेट करेगा आपका। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है इसी के तहत काम करता है, वो आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद कहते हैं। कितने कुछ इसमें शब्द हैं, धाराएं और अध्याय कितने हैं, 10,000 शब्द, 111 धाराएं और 19 अध्याय में इसके बारे में बात की गई है। भूमि किसने दान में दी थी, देखिए जी मुख्यालय के लिए इन्होंने भूमि दान में दी थी रॉकफेलर करके थे। कब बनकर तैयार हुआ, 52 में। देखिए जी महासचिव और सारी चीज़ें जो आप प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, महासचिव जो एंटोनियो गुटेरस महोदय हैं इस समय। पहला विशिष्ट संगठन जुड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आप इन्हें बोलते हो। दोस्तों आशा करते हैं कि यहाँ तक जो ये वन लाइनर वाली चीज़ें थी वो भी आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। यहाँ पर जो इसके अंग हैं, UNO के मुख्य अंग, उनको हम लेकर के अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा बाकी दोस्तों सहपाठियों के साथ में भी। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग यानी कि मेन पार्ट्स ऑफ UNO को लेकर के। शुक्रिया तब तक के लिए।